कि किसी और ने और पुलिस जांच पड़ताल पैसे शिकायतकर्ता को वापस दिलवाए किसी और से। अलर्ट सिक्योरिटी कंपनी के निर्दोष कर्मचारी से पाताखेड़ा पुलिस ने धमका कर किसी शिकायतकर्ता को 22,000 रुपये दिलवाए। पाताखेड़ा पुलिस निवासी रोशन सिंह का आरोप संबंध में आवेदनकर्ता रोशन सिंह SP बैतूल को आवेदन दे करके निष्पक्ष जाँच और के पैसे वापस लौटाने की मांग जिला बैतूल मध्य प्रदेश के पाताखेड़ा थाना क्षेत्र की है। पाताखेड़ा निवासी रोशन सिंह अलर्ट सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी ने पुलिस अधीक्षक बैतूल को एक आवेदन देकर जांच करने की मांग की है कि पाताखेड़ा पुलिस ने उसे फोन पर बुलवाकर किसी शिकायतकर्ता को 22,000 दिलवाए हैं। आवेदक रोशन सिंह ने अपने आवेदन में यह कहा है कि शिकायतकर्ता को पुलिस ने मुझसे गलत ढंग से पैसे वापस करवाया है, क्योंकि जिस मोबाइल नंबर से कॉल किया गया था वह मेरा नहीं था और ना ही मैंने उन्हें पैसे के लिए कोई कॉल किया था। पुलिस से जांच पड़ताल के करने से उपरांत भी उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए धमका कर पैसे वापस करने पर मजबूर किया। सारने से आशीष उगड़े की रिपोर्ट आज के बाद। नाम रोशन कुमार सिंह है। कहाँ रहते हो? पाताखेड़ा ग्राम। अच्छा, आपके साथ क्या घटना हुई, विस्तार से बताइए। मुझे परसों रात में राकेश साहू का फोन आया कि तुम्हारे कहने पे मैंने किसी अन्य नंबर से पेमेंट ट्रांसफर कर दिया है, जो कि मेरा नंबर है ही नहीं। और उसके लिए मैंने जांच के लिए अपना, फिर मैं चौकी में सुबह गया तो उन्होंने, चौकी में सुबह जब गए तो आप मर्जी से गए थे या पुलिस वालों ने बुलाए थे? पुलिस वालों का फ़ोन आया। अच्छा, फिर जाने के बाद चौकी में क्या हुआ? मुझे बुलाया गया, बोला गया कि तुम्हारे कहाँ से नामजद कंप्लेन आई है कि तुमने पैसा इससे फ्रॉड करके लिया है, किसके खाते में डलवाया दे, और बोले नहीं तो अंदर प्रकरण होगा तुम्हारे पे और अंदर डाल दिया जाएगा, केस मुकदमा बनाया जाएगा, नहीं तो पैसे दे। और अभद्र व्यवहार किया गया, उल्टा सीधा बोला गया मुझे। आपने बताया नहीं कि ये नंबर मेरा नहीं है? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, और सामने वाले की पूरी सुनवाई, मैं आवेदन भी लेके गया बनाया लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं। तो आपने इसकी चर्चा किससे करी वहाँ चौकी प्रभारी को? चौकी प्रभारी के पास गया, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या नाम था उनका चौकी प्रभारी का? राकेश सरयाम। उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। और मैंने बोला कि आपके स्टाफ ने मुझसे अभद्र व्यवहार किया, तो बोले तो मेरे स्टाफ की कंप्लेन कर रहा है। अच्छा, बोले और मेरे स्टाफ को मैं कोई बता रहा मेरे स्टाफ के खिलाफ। और आपने? मैंने बहुत मेहनत की। कौन अभद्र व्यवहार कर रहा था आपसे वहाँ? हेड कांस्टेबल। क्या नाम था उसका? अरविंद। तो आपकी बात नहीं मानी? कितने पैसे दिलवाए आपसे? 22,000 रुपए बोला। 22,000? हाँ, पैसा लेन देन खत्म कर, नहीं तो बोले प्रकरण बना के अंदर भेजेंगे। तो मैं डर गया, मैंने धमकी दी उन्होंने। हाँ, मैंने कहा प्रकरण नहीं बनाना है मुझे भाई, मैं ठीक है मैं इसको दे देता हूँ, भले मैंने नहीं लिया लेकिन मेरा प्रकरण केस में। आप करते क्या है? साइट सिक्योरिटी में एक सुपरवाइजर के पद पे है। और 6,000 सैलरी? 6,000 रुपये मिलती है। फिर आपने पैसे कहाँ से अरेंज करे? मेरे घर से लिया, मित्र बंधुओं से बुला के पैसा। घर में क्या पैसे अवेलेबल थे आपके? नहीं, उन्होंने भी ला के दिया, इधर उधर उनसे अपने फिक्स और ये सब जोड़ तोड़ उसमें से तोड़ ताड़ के दिया, भाई ने दिया, माँ ने दिया मिला के। उसके लिए बहुत कचकच हुई, लड़ाई झगड़ा हुई घर में किस चीज़ के लिए। आपका कहना यह है कि आपको पुलिस के द्वारा प्रताड़ित करके बगैर छानबीन किए, बगैर इन्वेस्टिगेशन किए आपसे पैसे दिलवा दिए उसको, यानी उसकी अभी तक उसकी छानबीन नहीं हुई? नहीं, ट्रू कॉलर पे नाम बोले तुम्हारा आ रहा है, रिकॉर्डिंग मेरी आ रही है। मैंने कहा जबकि मैंने उस टाइम में अपने साइट पे था, और 9:30 बजे इसका फोन आया कि तुमने मेरे से और किसी अदर नंबर से फोन करवा के किसी रंजू के नाम से किसके वो फोन पे चाहे पेटीएम मेरे से 2 बार दिमाग करा दिया। अच्छा, जो कि मैंने नहीं किया। आपने इसकी शिकायत करी? मेरा आवेदन उधर फेंक दिया गया, उनको कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके आवेदन पे एक्शन लिया गया। फिर आज आपने कहाँ शिकायत करी? आज SP मैडम के पास गया, मैंने वहाँ पे दिया कि मैडम मुझे सुनवाई चाहिए, यानी मेरे आवेदन दिया आपने SP मैडम को? हाँ, या डिस्पैच में दिया? डिस्पैच में दिया कि मैं उसकी सुनवाई और मेरा पैसा वापस दिलाया।